Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing great. So today's video is going to be on an Amazon kurta set haul and jitne bhi sare maine kurta sets liye hai ye sare ke sare hai by the brand Biba. Some of the products I have shown before and kuch hai jo new hai. So sab kuch main aap logo se share karungi. Personally, I really like this brand because जितने बार भी इन्हें wash करते हैं इनके कपड़े they don't like the color doesn't fade and उस जो product है उसका shape भी loose नहीं होता है unlike other kurtas or other materials and mostly आपको चंदेरी का अच्छा fabric मिल जाएगा plus cotton का भी अच्छा fabric मिल जाएगा they also have a lining to it so ये जो suits है बहुत ज़्यादा premium लगता है so I personally like this brand so जो भी products मैं आप लोग share के साथ share करूँगी सबका link आपको description box में मिल जाएगा and जो मैंने पहन रखा है this is by the brand Janasya In case you're interested, इसमें मैंने हॉल वीडियो किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल सो द फर्स्ट वन इज अ न्यू बाय एंड आई हैव बीन आइंग दिस सेट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम द ओनली रीजन आई वॉजेंट बाइंग इट इज बिकॉज मुझे लगा कि इसका फैब्रिक जो है थोड़ा सा स्टिफ आएगा एंड समर के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा बट जैसे कि मैंने इसे परचेज किया एंड फैब्रिक जैसे ही मैंने टच किया तो आई फील लाइक इट इज ऑफकोर्स अप्रोप्रिएट फॉर द समर सीजन बट बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो तो आपको हल्की सी गर्मी इसमें होगी बिकॉज ये चंदेरी का मटेरियल है सो द थिंग दैट आई वाज सेइंग इज कि इसमें ना आप देख सकते हैं कि लाइनिंग दे रखा है तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड इसका जो लाइनिंग है ये प्योर कॉटन का थिन लाइनिंग है ये दिस इज लाइक ऑल ऑफ द सेट्स दैट आई एम शोइंग आर काइंड ऑफ लाइक फेस्टिव या फिर पार्टी वेयर सेट्स तो ये कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा ग्रे के साथ जो रेड एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है दिस कैन बी वोन इन द डे टाइम एज वेल एज इवनिंग सीक्वेंस वर्क थ्रेड वर्क एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइक बीड वर्क के साथ साथ ये पूरा का पूरा योक एरिया मिल जाएगा एंड पूरा का पूरा जो बाकी का कुर्ता है इट इज़ एब्सोल्युटली प्रिंटेड द प्रिंट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स में बॉर्डर मिल जाएगा यहाँ पे 3/4 स्लीव्स है एंड उसके साथ आपको बॉर्डर मिल जाएगा एंड यहाँ पे अगर आप कुर्ता देखते हो तो साइड में भी ये ही बॉर्डर लगाया हुआ है एंड पूरे कुर्ते पे अगेन आपको ये लाइनिंग मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड उसके साथ साथ ये लिया है मतलब ये दिया है जो कि ये चुन्नट वाले पैंट्स है नाउ चूड़ीदार जो होता है वो बहुत कम सेट्स के साथ मिलता है पुराने ज़माने में बहुत सारे लाइक चूड़ीदार जब लेगिंग्स नहीं होते थे चूड़ीदार बहुत ज़्यादा चलता था बट अभी कुछ ही ब्रांड्स हैं जो चूड़ीदार बनाते हैं एंड आई पर्सनली लव वेयरिंग चूड़ीदार ऐसा लगता है कि हमने वो सूट बनाया है इट लुक्स वेरी प्रीमियम इट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव रॉयल सो इसीलिए पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खुद पे भी एंड लोग जब पहनते तभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सो ये चूड़ीदार में है एंड चूड़ीदार भी इसका बहुत कम्फर्टेबल होता है सो इसके साथ साथ जो दुपट्टा मिलता है वो कुछ इस टाइप से रेड कलर का दुपट्टा मिल जाएगा जिसपे हल्का सा बॉर्डर दे रखा है एंड यू हैव दीज टैसल्स सो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा सा सेट है उसके बाद दिस इज माई मोस्ट फेवरेट सेट फ्रॉम बीबा मेरे पास बीबा के अराउंड 15 to 16 सेट्स होंगे लाइक पूरे कुर्ता सेट उस सब में से मेरा सबसे फेवरेट कुर्ता सेट है ये मैंने लिया था जब आई हैड गॉट इट फॉर 2100 बट इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है आई हैव वोन दिस नई करके भी 7-8 बार मैंने पहना है इसका फैब्रिक जो है ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है धो धो के सो ये कुछ इस टाइप से बॉटल ग्रीन कलर में आपको मिल जाएगा ये कुर्ता सेट जब भी मैं पहनती हूँ मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सो ये कुछ इस टाइप से है यू सी दैट इट इज़ लाइक वेरी वेरी एथनिक बहुत ज़्यादा रूटेड लग रहा है एंड इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा थ्रेड वर्क एंड सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा स्लीव्स के लिए आपको यहाँ पे 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगे एंड आप देख सकते हैं दैट इसमें बुटियों वाला काम दे रखा है जैसे साड़ियों पे लाइक साड़ीज पे होता है सो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा एंड पूरा का पूरा कुर्ता आपको इसी टाइप से लाइक बुटियों वाला प्रिंट नहीं एब्सोल्युटली लाइक बुटी वर्क तो प्रिंट भी नहीं है ये कुछ इस टाइप से एंड पूरे कुर्ता पे आपको मिल जाएगा एंड ऑल्सो लाइक आई वॉज टॉकिंग लाइनिंग इसमें भी दे रखा है तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है इसके साथ साथ आपको ये चूड़ीदार मिलता है अगेन इसका जो फिट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये वाला दुपट्टा मिलता है जो कि जो पूरे सेट को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है सारे जो भी कुर्ता सेट्स मैंने लिए हैं सब में मैंने स्मॉल साइज लिया सो दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट सेट फ्रॉम बीबा उसके बाद अनदर सेट दैट आई एब्सोल्युटली लव इज़ दिस वन जो कि मैं मेरा सैलून है तो वहाँ पर मैं पहन के बहुत ज़्यादा जाती हूँ विच इज़ दिस सेट
एंड दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर द समर सीजन. आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रिंट्स दे रखे हैं आपको दूसरे कुर्ताज या दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलेंगे. तो पूरे कुर्ते पे आपको इस टाइप का सेल्फ प्रिंट मिल जाएगा. यहाँ पे ना छोटे छोटे प्लीट्स दे रखे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. प्लस इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा डिफरेंट है. इट्स लाइक लेमन येलो विथ लाइक लाइट ब्लू. एंड इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंट्स दे रखे हैं. ऑल्सो इसका जो कट है ये बहुत नीचे तक है, जैसे मतलब अनारकली में कट नहीं होता है, नॉर्मल कुर्ताज में ऊपर से हिप के पास से स्लिट होता है, बट इसका ना बहुत ज्यादा नीचे स्लिट है. सो इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अनारकली ओनली. सो पीछे से कुछ इस टाइप से है. एंड देन इसके साथ साथ आपको ये प्लाजो पैंट्स मिल जाएंगे जो कि जिसपे घेर काफी ज्यादा दे रखा है, कॉटन के है ये. तो इसे मैंने बहुत सारे और भी ट्यूनिक्स के साथ पहना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में. एंड इसके साथ साथ आपको ये शिफॉन का दुपट्टा मिलता है जो कि मर्ज पैटर्न में दे रखा है. उसके बाद आई हैव दिस पीस जो कि ग्रीन वाले पीस जैसा ही है एंड ये भी मुझे पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. सो दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक. एंड दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक. मतलब ये बहुत लाइक धूप छाव टाइप का जो मटेरियल होता है वैसे में दे रखा है. कहीं कहीं से ये पूरा का पूरा यू नो ग्रे लगता है, कहीं कहीं से ये ब्लू भी लगता है बिकॉज ऑफ द धूप छाव मटीरियल. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन बुटियों वाला काम दे रखा है. एंड देन यहाँ पे आपको शियर स्लीव्स मिल जाएंगे एंड नीचे से ये कुछ इस टाइप से है. सो ये भी जो कुर्ता है पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है. एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो पीछे से ये पूरा का पूरा प्लेन है. आई गॉट दिस वन इन द साइज स्मॉल. एंड इसके साथ साथ जो दुपट्टा मिलता है ये आपको इस टाइप से शिफॉन का दुपट्टा मिलेगा. एंड इसके साथ साथ भी आपको चूड़ीदार मिलेगा, बट लेगिंग्स वाले चूड़ीदार है इसके साथ. तो ये जो सेट है ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. इफ यू आर समबडी हु डज नॉट लाइक वेयरिंग चूड़ीदार, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड बाय दिस सेट. तो समर सीजन चल रहा है तो ऑब्वियसली सनस्क्रीन आर अ मस्ट. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर में आपको सनस्क्रीन लगाना है, आपको सारे के सारे सीजन में सनस्क्रीन लगाना है. नो मैटर इफ यू आर गोइंग आउट इन द आफ्टरनून और मॉर्निंग, या फिर अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर समबडी हु इज कंफ्यूज कि आपको कौन सा सनस्क्रीन लेना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, या ऐसा कोई भी स्किन कंसर्न है, इफ यू आर कंसर्न कि कौन सा सनस्क्रीन आपको सूट करेगा, सो यू कैन डेफिनेटली बाय वन ऑफ दीज सनस्क्रीन बिकॉज दीज आर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सनस्क्रीन. जैसे भी जैसे कुछ टाइम पहले अराउंड 8 to 9 months पहले मुझे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते थे, तभी मेरे डर्मेट ने मुझे ये सनस्क्रीन सजेस्ट किया था. दीज आर बाय लाशील्ड. आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दो सनस्क्रीन है, दे आर द सेम बट जस्ट मैंने बैकअप लेके रखा था बिकॉज ये एक मेरे बैग में रहता था एंड दूसरा वाला मेरे वैनिटी में रहता था. सो दिस इज विथ SPF 40 जो कि अराउंड 3.5 to 4 hours के बाद आपको रीअप्लाई करने की जरूरत है. सो दिस इज विथ PA++++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है ये. एंड दिस इज एन ऑयल फ्री सनस्क्रीन और उसका जो टेक्स्चर है ये बहुत ही ज्यादा मूसी टाइप का टेक्स्चर है. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे मतलब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यू नो इजीली लगा सकते हैं. सो दिस इज हाउ द टेक्स्चर इज, मतलब दिस इज हाउ मूसी द टेक्स्चर इज. ऑल्सो इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं आता है इफ यू ब्लेंड इट वेल. एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ प्राइमर आई वुड से बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ पोर फिलिंग. अगर आप ध्यान से मतलब आई डोंट थिंक द कैमरा विल यू नो पिक दिस अप, बट ये अगर आपके कितने भी जितने भी पोर्स हैं ना ऑलमोस्ट सारे पोर्स को कवर कर देता है बिकॉज इट हैज दिस मूसी काइंड ऑफ टेक्स्चर. एंड सेम ब्रांड से मेरे पास ये वाला सनस्क्रीन है. दिस इज द मैट जेल सनस्क्रीन. इसका जो टेक्स्चर है हल्का सा अलग है. एंड दिस इज ऑल्सो बाय लाशील्ड एंड दिस इज देयर SPF 50 वाला सनस्क्रीन जो कि आप 4.5 to 5 hours के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं. सो इसका जो टेक्स्चर है ये काफी ज्यादा मतलब पहले वाले सनस्क्रीन से थोड़ा सा अलग है. एज इट मेंशंस दैट इट इज जेल टेक्सचर बट इट इज नॉट एग्जैक्टली जेल टेक्सचर. पहले वाला थोड़ा सा मूसी था बट ये थोड़ा सा कम मूसी है एंड इट ब्लेंड्स इन रियली वेल. सो दिस इज हाउ द टेक्सचर इज. दिस इज जस्ट इफ आई वुड डिस्क्राइब इट, इट्स नॉट जेल टेक्सचर बट पहले वाले सनस्क्रीन से कम मूसी है बट इट इज स्टिल मूसी. सो इफ यू हैव ड्राई स्किन, वैसे तो देखा जाए तो आपका कोई भी कंसर्न है, आप दोनों में से कोई भी स्किन टाइप यूज मतलब प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. बट मेरा पर्सनल सजेशन होगा अगर आपका ड्राई स्किन है तो यू कैन गो फॉर दिस वन विच सेज जेल टेक्स्चर. एंड अगर आपका ऑयली स्किन टाइप हो तो यू कैन गो फॉर दिस वन विच इज SPF 40. दोनों ही आपको बहुत ही ज्यादा ईजिली मिल जाएगा ऑनलाइन अगर आपको परचेज करना है.
तो वीडियो के नीचे आपको शेल्फ मिल जाएगा, वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हैं. अगेन, अगर आपका कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन कंसर्न हो, दीज आर द टू सनस्क्रीन दैट यू कैन इजीली यूज बिकॉज दीज वोंट ब्रेक यू आउट एट ऑल बिकॉज दीज आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दे आर लाइक डॉक्टर प्रिस्क्राइब सनस्क्रीन जस्ट लाइक सेटाफिल. बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल सनस्क्रीन है, डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं. एंड द लास्ट पीस दैट आई वुड लाइक टू शो यू ऑल इज दिस वन. दिस इज समथिंग दैट लुक्स लाइक अ पाकिस्तानी सेट एंड ये कुछ इस टाइप से है. पूरा का पूरा आपको प्रिंटेड सूट मिल जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट प्रिंट है ब्लैक के साथ. लाइक इसमें बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं एंड इवन इफ यू सी दैट यहाँ पे भी इसका जो प्रिंट है काफी ज्यादा डिफरेंट है. सो पूरा का पूरा प्रिंटेड आपको मिल जाएगा 3/4 स्लीव में. दिस इज कॉटन मटेरियल, ग्रेट फॉर ऑल सीजन्स एंड सामने से कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा. नीचे से अगर आप देखोगे ना तो ये हाई लो प्रिंट में है एंड इट ऑल्सो हैज अ स्लिट. तो स्लिट के कारण ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड पीछे से आपको अगेन ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में मिल जाएगा. सो इसके साथ साथ जो आपको मिलता है सिगरेट पैंट्स, कुछ इस टाइप से आपको सिगरेट पैंट्स मिल जाएंगे. दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड इजीली आप दूसरे कुर्ता सेट्स के साथ लाइक कुर्ताज के साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं. एंड इसका जो दुपट्टा है ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. कॉटन का आपको दुपट्टा मिल जाएगा एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ बॉर्डर. एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कुर्ता पे जैसा बॉर्डर है सेम वैसे का वैसा ही बॉर्डर दिखेगा. सो ये जो सेट है दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ पाकिस्तानी सूट इफ यू कंपेयर इट, वैसे ही टाइप का है. एंड पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. इसमें और कोई कलर्स नहीं आते हैं बट सिंस इट्स कॉटन इट्स ग्रेट फिट. इसे भी मैंने 5 से 6 बार पहना है. इसे मैंने वॉश भी किया है, मशीन वॉश एंड हैंड वॉश. ये बिल्कुल फैब्रिक खराब नहीं होता एंड इट डज नॉट इवन लूज द शेप, लाइक श्रिंक भी नहीं होता. सो इट इज रियली रियली नाइस. सो इसमें भी मैंने स्मॉल साइज लिया है एंड दोज वर ऑल ऑफ द कुर्ता सेट्स. कुछ इसमें से न्यू थे एंड कुछ इसमें से ऐसे थे जो कि मैंने बहुत बार पहने हैं एंड द फिट एंड ऑल इज रियली ग्रेट. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज पार्टी वेयर या फिर समथिंग दैट लुक्स प्रीमियम, यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड बाय एनी ऑफ दीज. ऑल ऑफ द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट मी नो कि आप लोगों को कैसे लगा बीबा. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट लेट मी लाइक रिपीट माई सेल्फ अगेन, द क्वालिटी इज ग्रेट. सो यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड बाई दीज बिकॉज वॉश करने के बाद और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है. सो ऑल ऑफ द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.